हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टी एच क्लासेस अनएस पर हमारा मोड तो हैवी टीच अचीव यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें लेकर आ गए हैं आप सभी बच्चों के लिए एक और अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं सोशल साइंस जिसके हमारे चैनल पर मैराथन चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है उसका फोर्थ चैप्टर इससे पहले वन टू और थ्री चैप्टर मैं ऑलरेडी इसकी रीडिंग करवा चुकी हूँ इसमें हम फोर्थ चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं लेकिन अगर अभी तक आपने वन टू और थ्री ये तीनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर पहले ये चैप्टर्स आप अच्छे से समझिए फिर आप अगर ये चैप्टर्स समझेंगे फोर्थ चैप्टर अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरा मानना यही है कि अगर आप चैप्टर को क्लियरली समझ लेते हो सोशल साइंस में बेसिकली तो आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आए आप उसका आंसर आराम से कर सकते हो ठीक है मैथ चैनल के होस्ट सनों स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप सभी अपने अच्छे मार्क्स से जो है आपने अन को पास कर लें again. चलिए तो इसमें हमने आधुनिक विश्व दो ठीक है तो इस पहले इससे पहले जो थर्ड चैप्टर था उसका नाम था आधुनिक विश्व एक अब इसका नाम है आधुनिक विश्व दो आधुनिक का मतलब होता है अभी नया युग ठीक है नया विश्व क्या है कैसा है उस बारे में हम देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले वाला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड था उसको ज़रूर देखिएगा तब इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पिछले पाठ में आपने पुनर्जागरण के दौरान विश्व विकास के बारे में पढ़ा जिससे यूरोपीय समाज में कई परिवर्तन हुए तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे पुनर्जागरण आया और उससे कैसे विकास हुआ लोगों का और उसके बाद यूरोपीय जो समाज था उसमें क्या क्या चीजें आई क्या क्या बदलाव पर हुए और इससे काफी ज्यादा असाधारण इसने हासिल करी लोगों ने अंधविश्वास और परंपराओं को समाप्त कर दिया अब क्या हुआ अब लोग हैं ना अपने तर्क देने लग गए पहले क्या था लोग सिर्फ मानते थे जो भी चीजें उनको बताई जाती थी पर परंतु अब लोग अपने तर्क देने लग गए और उसके साथ साथ समुद्री मार्ग खोजे गए ठीक है वास्को डिगामा का भी नाम आया था वो भी हमने देखा मोनल का नाम आया था पेंटिंग वो भी हमने देखी आ, लियो, लियोनार्डो विंची के द्वारा जो बनी हुई है है ना तो ये सारी चीजें हमने देखी थी पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या देखा और इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में उपनिवेशवाद के बारे में और साम्राज्यवाद के बारे में ठीक है ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो कि एशिया और अफ्रीका दोनों स्थानों पर किस प्रकार से हुआ उसके बाद आपका उद्देश्य आ जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आएँगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो बेसिकली हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या घटनाएं उस बीच में हुई वो चीज़ें देखने वाले हैं चलिए तो सबसे पहला आपका टॉपिक है औद्योगिक क्रांति अब औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं हमने पिछले चैप्टर में इसको थोड़ा सा आ, अच्छे से नहीं समझ पाए थे क्योंकि वो थोड़ा सा ही मेन टॉपिक था अब इस चैप्टर में ब्रीफली हम समझने वाले हैं कि औद्योगिक क्रांति आखिर होती क्या है अठारहवीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कौन सी सदी में औद्योगिक क्रांति आई थी तो अट्ठारहवीं सदी में ठीक है इससे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए यह बदलाव एक स्थायी कृषि और व्यापारिक समाज के आधुनिक औद्योगिक समाज बनने को चिन्हित करते हैं ऐतिहासिक तौर पर सत्रह से अठारह की अवधि ब्रिटेन के इतिहास के संदर्भ में है सामाजिक और आर्थिक साँचे में नए नाटकीय परिवर्तनों से इसका स्थान स्थान जो है आविष्कार के रूप में जगह आविष्कारों और नई तकनीकों द्वारा मशीनों के तैयार बड़े पैमाने के उत्पादन की फैक्ट्री व्यवस्था और वृहत मतलब औद्योगिक क्रांति यही होता है कि जब हम अपनी इसमें क्या हुआ था यह 18वीं सदी में आई थी इससे नए नए परिवर्तन हुए जैसे जो पहले हल का यूज़ होता था अब नए नए ट्रैक्टर्स आने लग गए नई नई जो हैं कह सकते हैं हम आविष्कार होने लग गए जो आविष्कार नाटकीय थे अब उनको रियल में लाया गया नई तकनीकों के आविष्कार हुए नई मशीनों के आविष्कार हुए और इस तरह से बदली जो औद्योगिक क्रांति है वो ठीक है यहाँ पर फैक्ट्री की व्यवस्था होने लग गई आर्थिक विश विविष्टता तो थी वो आ गई यहाँ पर जो जनसंख्या पहले कृषि में कार्यरत थी अब शहरी कारखानों की ओर बढ़ने लगी और जो जनसंख्या पहले सिर्फ कृषि करती थी कृषि पर निर्भर थी अब वो शहरी कारखानों में जाने लग गई और वहाँ से भी वो पूंजी कमाने लग गई ठीक है उनसे तैयार उत्पादन एकत्र करते थे इस व्यवस्था से बाजार की बढ़ती मांगों को लंबे समय तक पूरा नहीं किया जा सकता था इसलिए आठवीं सदी के अंत तक अमीर व्यापारियों के द्वारा कारखानों की स्थापना की गई उन्होंने नई मशीनें लगाई कच्चा माल से और निश्चित वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों को मशीनों में बनी वस्तुएं बनवाई इस प्रकार कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ अब यहाँ पर फैक्ट्री चालू होनी शुरू हो गई क्योंकि हमें पता था कृषि किसान तो कृषि कर सकते हैं लेकिन उसके साथ अलग जो व्यक्ति हैं वो क्या करें तो वो कारखानों में काम करने लग गए नई नई चीजें आने लगी और इससे कारखाना प्रणाली जो 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 है है वो वो शुरू हो गई जो शुरुआती जो स्पिनिंग मशीन होती थी, वो होती थी थी इस प्रकार की ठीक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में भाप की शक्ति के उपयोग से शुरू हुई ठीक है भाप के इंजन वहां पर बनाए गए और ब्रिटेन में इसकी स्टार्ट हुई थी जो है ये स्टार्ट हुई थी वहां पर वह सत्रह में जेम्स वाट के भाप के इंजन क्या आविष्कार के बाद संभव हुआ तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भाप का आविष्कार है भाप के इंजन का आविष्कार किसने और कब किया 1733 में जॉन केयस ने उड़ती तूरी का आव आविष्कार किया जिससे कपड़े बुनने की प्रक्रिया को आसान कर दिया और उत्पादन चार गुना बढ़ा दिया जेम्स हरग्रीव्स ने एक हाथ संचालित चरखा स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया स्पिनिंग पिनिंग जैनी थे, आ, से एक बार में ही कई गुणा धागे बनने लगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से कौन कौन सी नए नए आविष्कार हुए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए पेट्रोल इंजन और बिजली के साथ विकास का नया काल आया इनके पास वे सभी संसाधन थे जो एक औद्योगिक शक्ति बना सकते थे औद्योगिक क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया 1850 से क्रांति ब्रिटिश जिंदगी में एक महत्वपूर्ण या प्रमुख कारक वन के, के साथ पूरा किया गया के के बाद बाद में में फ्रांस उ जर्मनी में आई ठीक है ब्रिटिश के बाद यह जर्मनी में आए और फिर ग्रह युद्ध जब हुआ है तो अमेरिका के बाद यह औद्योगिकरण शुरू हो गया सबसे पहले ब्रिटेन में आया ब्रिटेन के बाद जर्मनी में और जर्मनी के बाद फिर अमेरिका के बाद जो ग्रह युद्ध हुआ यानी होम वॉर जब हुई तो इसके बाद ये सारे विश्व में फैल गई तो औद्योगिकरण हासिल कैसे हुआ प्रमुख आविष्कार और साधारों ने इंग्लैंड में कृषि को बढ़ावा दिया महत्वपूर्ण परिवर्तनों नवाचारों जेथ्रो टूल बीज रोपण ड्रिल से बीजों को समान अंतराल और गहराई पर बिना बर्बाद किए बीज में बोने में कृषि अपनी जगह बना ली है मतलब यहाँ पर किस तरीके से हमने नई नई जो है आविष्कार किए और उसके साथ जो है किस तरीके से टूल बनाए गए बीज उगाने के लिए भी और कैसे इंग्लैंड जो था वो कृषि को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा था ये सारी चीज़ें सत्रह सौ साठ से अठारह सौ तीस के बीच ब्रिटिश संसद ने लगभग हजार संलग्न अधिनियमों के द्वारा भूमि को जो पहले उस जिस समुदाय की थी उनको बड़े क्षेत्रों से जोड़ दिया गया हालांकि इन सब से इन सबके लिए कृषि उत्पादन बढ़, बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली लेकिन इसी से भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या प्रदान कर दी ठीक है अब जो किसान होते हैं वो सिर्फ उनके पास जरूरी नहीं कि भूमि हो ठीक है वो किसी और की भूमि पर जो है खेती कर सकते थे और उनसे भी उन्हें फ़ायदा हो रहा था अब केवल कुछ ही लोगों की खेती खेतों पर काम करने की ज़रूरत थी इसीलिए कि एक बड़ी संख्या ने लोगों को रोजगार के लिए शहरों की और लायन शुरू कर दिया ठीक है औद्योगिक क्रांति जब आई तो लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाने लगे और वो अलग-अलग रोजगार करने लगे कृषि के अलावा इसने कारखानों में काम करने के लिए सस्ते और अधिक मजदूर प्रदान किए इंग्लैंड में अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में मदद की व्यापारिक प्रतिबंध हटाने जैसे एक्ट अधिनियमों और सामूहिक बाज़ार व्यापारियों के लिए अनुदान था इंग्लैंड मुख्य रूप से अपने परिवहन में विकास के कारण विदेशी बाजारों पर कब्जा करने में सक्षम था कई यूरोपीय देशों ने अब वाणिज्यवाद की नीति का पालन शुरू कर दिया था ठीक है अब वाणिज्यवाद आ गया इस नीति ने के तहत उद्योग और व्यापार में सरकारी नियंत्रण प्रयोग किया गया था यह सिद्धांत है कि इस पर आधारित है कि राष्ट्रीय शक्ति अधिक निर्यात और कम आयात की ओर संकेत देता है अब क्या हुआ लोग अधिक जो है निर्यात करने लग गए और आयात वो बहुत कम करने लग गए निर्यात का मतलब होता है जब हम पूरा अच्छे से तैयार किया हुआ कोई भी कपड़ा है फिनिश्ड गुड अगर हम हम बाहर बेच रहे हैं और उसके बदले हम कोई भी जो आयात होता है कच्चा माल लेना वो हम कम कम कर 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 दिया 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 ठीक है आयात हमने कम किया और निर्यात ज़्यादा करना शुरू कर दिया, कर दिया। यह सिद्धांत तो इस पर भी विश्वास रखता है कि एक राष्ट्र की संपत्ति का स्वामित्व तो उसके सोने और चांदी पर निर्भर करता है तो सरकार का व्यापार में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए ठीक है तो जो सरकार है उसका व्यापार में इतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और वो सोने और चांदी पर ज्यादा निर्भर करता है यह वह कारक था जिन्होंने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति वाला पहला देश बनाना संभव किया इंग्लैंड के अन्य देशों से अधिक भौगोलिक विलाभ का भरपूर उपयोग किया गया सुरक्षित स्थान के साथ साथ यह महाद्वीप द्वीप समुद्र तट के नज़दीक है परंतु इसने यूरोप के अन्य देशों से अलग होकर निर्बाध प्रगति की है जलमार्गों जैसे नहरों नदियों और समुद्र के ने इंग्लैंड को बिना कर और रुकावट के विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान किया इंग्लैंड जो था वो जलमार्गो मतलब वहाँ पर जो है जल मार्ग बनाए गए नदियों के लिए समुद्र के ऊपर मार्ग बनाए गए जिससे कि जो यात निर्यात था वो अच्छा होने लग गया और इससे औद्योगिक क्रांति जो थी वो उच्च स्थिति में इंग्लैंड ने तैयार कर दी और उसको सारे लाभ मिलने लगे उसके बाद बात आती है औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन आए जो नए थे बिल्कुल हमारे लिए कई नवीन आविष्कार और प्रौद्योगिकी अंतर या परिवर्तन के इस अवधि के दौरान जगह ले ली इसने औद्योगिक देशों को और अधिक शक्तिशाली और कुशल बनाने में मदद किया अब उत्पादन बड़ी मात्रा में सस्ता और बहुत तेज़ी से किया जा सकता था ठीक है तो नए नए जब आविष्कार हुए नए नए परिवर्तन आए तो अब जो प्रोडक्शन था उत्पादन था वो कम मात्रा में और कम उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकिन कम सस्ता ठीक है सस्ता यहाँ पर चीज होने लगी इन आविष्कारों का कपड़ा और परिवहन उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ा जिनके विषय में हम अभी पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग सबसे पहले वस्त्र उद्योग यानी वस्त्रों का व्यापार कपड़ा उद्योग में तकनीकी प्रगति ने लोहा और इस्पात उत्पादन में आविष्कारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी अन्य देशों ने इंग्लैंड के इस उदाहरण से प्रेरणा ली जिसमें इंग्लैंड ने निर्मित वस्तुओं की दुनिया के बाजार में बाढ़ आ गई अब ब्रिटेन ने अपने हितों की रक्षा के लिए कानून पारित किया जिसमें कपड़ा मजदूरों को दूसरे देशों की यात्रा करने और औद्योगिक तकनीकी की जानकारी बाहर न खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंग्लैंड ने जब देखा ब्रिटेन ने जब इंग्लैंड को देखा तो इंग्लैंड तो इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था वो अपने जो जो कपड़े थे जो उसके देश में बनाए जा रहे थे वो बाहर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रहा था लेकिन ब्रिटेन ने एक कानून पारित किया कि भाई जो मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं हमारी कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं वो बाहर विदेश में जाएंगे तो सिर्फ हमारी परमिशन से जाएंगे और अगर जाएंगे तो वो कोई भी हमारे मतलब हर कंपनी यही चाहती है कि हमारे जो सीक्रेट्स है वो बाहर जाकर कोई भी हमारा मजदूर ना बताए तो ने भी यही लागू किया कि कोई भी हमारे सीक्रेट्स नहीं बताएगा बाहर जाकर परंतु सत्रह नवासी में सेम्युअल स्टेलर स्लेटर इंग्लैंड से बाहर निकलकर अमेरिका पहुंचा वह अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान ले गया जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई अमेरिका में कपास वृक्षारोपण के लिए विशाल क्षेत्रों को दासों की बढ़ती भाग के तहत लाया गया फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति समान घटनाओं में शुरू हो गई ठीक है लेकिन जो सैम्यूल स्लेटर था वो इंग्लैंड से बाहर निकल कर कहाँ पहुंचा अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई ठीक है तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कि राइट कारखानों को जो है इस प्रणाली का पिता माना जाता है उसने पहला कारखाना मुख्य रूप से घरेलू मशीनों से तैयार किया जहां काम के घंटे तय थे और लोगों का वास्तव के अनुबंध के आधार पर रखा गया था सत्रह सौ में समूहल कॉम्पेंट ने स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार किया जबकि एडमंड कार्ट्राइट ने पहले पानी संचालित करने का आविष्कार किया ठीक है तो इसको यहाँ पे यहाँ पे आपका क्रियाकलाप आता है क्रियाकलाप के बाद आता है भाप का इंजन कि भाप के इंजन को कैसे कि, किसने आविष्कृत किया था औद्योगिक क्रांति की एक और बड़ी उपलब्धि थी भाप की शक्ति विकास और प्रयोग इस पहले के उपकरणों का सुधार किया गया और मशीनों के विकसित रूप में औद्योगिक की संख्या को बढ़ा दिया गया इसीलिए उत्पादन के लिए अत्यधिक शक्ति की जरूरत थी सत्रह में थॉमस न्यूकोमन कोयला खाने से पानी निकालने के लिए एक इंजन का निर्माण किया सत्रह में जेम्स वॉट डिजाइन ने न्यूकॉमन के इंजन के डिजाइन और दक्षता में चौगुना सुधार किया ठीक है सबसे पहले थॉमस न्यूकॉमन ने जो है कोयला खानों से पानी निकालने के लिए एक इंजन का निर्माण किया और उसी को जेम्स वॉट ने सत्रह में भाप का इंजन बना दिया उसने भाप और कारण निर्वाध गाढ़ा के करने के लिए ठंडे पानी की एक जेट के साथ एक कक्ष शुरुआत की थी यह भी एक दूसरे से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अवधि थी वाट ने जॉन विल्किंसन के ड्रिल के बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए अपने इंजन के लिए सिलेंडर बोर किया भाप इंजन में जल्द ही पहले लोकोमोटिव कोयला इंजन की जगह ले ली इससे रेलवे लाइनों की काफ़ी जो है वृद्धि हुई कह सकते हैं भाप के इंजन से पहले बहुत ज़्यादा ट्रेन जो थी वो चलने लग गई थी रेलगाड़ियाँ ठीक है और इससे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई ट्रेन में उसके बाद कोयला और लोहा लोहे क्या कैसे उत्पाद हुआ भाप इंजन ने कोयला और लोहे के साथ आधुनिक उद्योग की नींव रखी उनका यह मानना था कि इंजन लोगों की मौत की इच्छा हो वही खान में काम कर सकते हैं आपको पता भी होगा कोयला की जो खान होती है वो काफ़ी ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि हमें उससे नीचे से बिल्कुल जमीन के नीचे से उनको कोयलों को निकालना पड़ता है।, है ना तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई जिनको मौत की इच्छा हो जो मौत से डर ना खाते हो वो ही उस खान खान में काम कर सकते हैं कोयला क्षैति सुरंगों के साथ टोकरी में ले जाया गया था और फिर सीधा घसीट कर सतह तक लाया जाता था जा, खानों से कोयले का ढकेलना दख, जानवर आदमी औरत और बच्चों ताकत पर पूरी तरह से निर्भर था कोयला खानों में काम करने की स्थिति खतरनाक थी दुर्भाग्य इस काम के लिए बच्चों को उनके छोटे आकार की वजह से पसंद किया जाता था क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो कोयला जो खान है सुरंग जो होती थी उनमें बच्चे अच्छे से जा सकते थे घुस सकते थे इसीलिए बच्चों को ज्यादा इस कोयला खानों में लगाया गया भाप शक्ति के उपयोग की वृद्धि में के कारण कोयले की मांग जो है बढ़ने लगी क्योंकि भाप के जो इंजन होते हैं वो कोयले से ही चलते हैं ठीक है इसीलिए कोयले की मांग बढ़ने लग गई कोयला खानों में कई सुधार किए गए जैसे सुरंगों को हवादार बनाया गया क्योंकि हवादार अगर होंगे सुरंग तो उसमें कोई जाता है तो उसको हवा भी आए ऑक्सीजन भी मिले ताकि उसकी मौत ना हो विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया लेकिन कोयला खनिज खनिक कई तरह के खतरों और स्वास्थ्य समस्याओं और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे जो लोग कोयला कि खानों में से कोयला निकालते थे वो उनको काफ़ी ज्यादा बीमारियाँ हो जाती थी और स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो जाती थी इसके बाद बात, बात आती है लोहा लोहे उद्योग में इस समय के दौरान महत्वपूर्ण सुधार किए गए सत्रह सौ नौ में इब्राहिम डरबी कॉक के साथ ढलवा लोहे का उत्पादन किया इससे पहले ढलवा लोहा लकड़ी के कोयले से प्राप्त किया जाता था जिससे कि तेजी से इंग्लैंड के जंगलों में लकड़ी की कमी हुई ठीक है तो ये जो लोहा था वो कहाँ से लिया जाता था ये लिया जाता था ढलवा लोहा लकड़ी से ठीक है सत्रह सौ चौरासी में हेनरी कर्ड जी की एक आयरन मास्टर थे उन्होंने एक कम भंगूर लोहे के उत्पादन एक प्रक्रिया विकसित की है यह लोहे लेव लेवन होज हीज बुलाया गया था इसको बोलते थे लोहे लवन हीज ठीक है यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में से एक बहुत ही उपयोगी धातु साबित हुई थी तो ए, इसका विकास किसने किया था हेनरी कर्ट ने सत्रह में जॉन विलकिनसन ने एक ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल या आविष्कार किया था जिससे सटीकता के साथ छेद किया जा सकता था सत्रह और अठारह के बीच लोहे का उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और लोहे का उपयोग कृषि मशीनरी हार्डवेयर जहाज निर्माण आदि में फैल गया लोहा और कपड़ा उद्योग के विकास में आवश्यक था कि सस्ती वस्तुएं उन की तेजी से धुलाई के कारण या बेहतर परिवहन सुविधाओं का आविष्कार किया जाए क्योंकि जो लोहा और कपड़ा उद्योग है उसको दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए जरूरी था कि हमारे पास जो परिवहन है यानी इसमें जो जो भी रेलगाड़ी वगैरह होगी जिसमें वो ले जाया जा सके उनका भी अच्छी तरह से सुविधाएं उनमें विकसित हों घरेलू और विदेशी बाजारों की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा जल्द करना आवश्यक था ठीक है तो जो मतलब अंदर ही जैसे स्टेट्स में भी कुछ लोग अगर चाहते थे कि हमें कपड़ा मंगवाना है दूसरे स्टेट में से तो उसके लिए भी यह जरूरत है और दूसरे विदेश में भेजना है तो उसको के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि परिवहन है वो कैसे अच्छा हो सके तो ये पढ़ते हैं अगला टॉपिक है परिवहन और संचार के साधन तो अब जो है औद्योगिक क्रांति जब आई तो लोग जो हैं वो दूसरे देशों में अपना सामान भेजने लग गए ताकि उनको मुनाफा हो लेकिन उसके लिए सामान कैसे भेजेंगे वो लोग सामान ऐसे भेजेंगे या तो वो रेलगाड़ी का यूज करेंगे या फिर वो ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे जैसे कि आपके हवाई जहाज वगैरह समुद्री जहाज है ना इनसे उत्पादन या फिर इनसे जो बिजनेस है वो अच्छा होता है और उसके लिए हमें संचार की भी जरूरत संचार का मतलब होता है बातचीत ठीक है कम्युनिकेशन तो हमें टेलीफोन्स वगैरह इनकी भी जरूरत थी कि हम दूसरे देश में बात कर सकें तो वो कैसे हुआ वो देखते हैं परिवहन और संचार के साधनों में सुधार ने औद्योगिक क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कच्चे माल तैयार उत्पादों को भोजन और लोगों को परिवहन की एक विश्वसनीय प्रणाली की जरूरत थी सत्रह सौ में पुल और सड़क निर्माण में सुधार किए गए थे वह उनके गंतव्यों परिवहनों से कच्चे और कारखानों में तैयार माल को अपने गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करते थे अठारह में जॉर्ज स्टीवन पहले भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया जो रेलवे ट्रैक पर चला भाप इंजन और रेलवे पटरियों से जल्दी इंग्लैंड में माल लाने के लिए लाने ले जाने के लिए नए परिवहन को समर्थन मिलने लगा तो पहले तो पुल जो है वो तैयार किए उसके बाद इन्होंने र, जो है जल मार्ग बनाए गए जल मार्गों से भी मतलब समुद्री जहाज़ों के जरिए भेजे गए उसके बाद रेल मार्ग भी यहाँ पर तैयार किए गए कि रेलों से भी जो सामान है वो भेजा जा सके मध्य उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान लकड़ी चालीस जहाज की जगह भाप चालीस जहाज ने ले लिया इसके तुरंत बाद लोहा जहाज़ समुद्र के पार यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था यद्यपि औद्योगिक क्रांति के पहले चरण में भाप पर निर्भर करता था दूसरे चरण में बिजली पर निर्भर करता था ठीक है तो सबसे पहले तो लकड़ी के द्वारा चलाए जाने वाले जहाज आने लग गए उसके बाद भाप के द्वारा चलाए जाने वाले जहाज आने लग गए जो कि बिजली पर भी निर्भर करते थे बिजली अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गई और कारखानों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था परिवहन व्यापारिक लेन और संचार की तेजी से मतलब है सैनिक इकाइयों और कॉलोनियों टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया में कहीं भी तुरंत संवाद संभव बना दिया ठीक है तो इसके साथ साथ नई नई चीजें इन्वेंट होने लग गई उसके बाद बात आती है औद्योगिक क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े लोगों पर औद्योगिक क्रांति ने शहरी जनता के आंदोलन को प्रोत्साहित किया जिसने एक शहरी समाज को जन्म दिया श्रमिकों अब कार्यशालाओं या कारखानों के करीब रहते थे जहां रोजगार के अवसर प्रदान मिलते थे उन्हें लेकिन कारखानों में काम करने की स्थिति दयनीय आवास स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति के साथ दुखी थे कारखाने के मालिक सिर्फ एक ही मकसद था लाभ कमाने बनाए रखने के लिए बनाया गया था मतलब वो जो कारखाने के मालिक थे वो सिर्फ लाभ कमाना चाहते थे और वो अपने जो मजदूर उनके जो काम कर रहे थे उनके ऊपर बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं दे रहे थे वह चाहे कुछ भी हो उनके साथ कैसी भी उनके साथ दुर्घटना हो इसीलिए

हम नहीं कर सकते हैं ना धीरे-धीरे श्रमिकों ने को अपनी ताकत का एहसास शुरू हुआ ट्रेड यून, यूनियनों ने दबाव बनाया एक आंदोलन कारखाने प्रणाली के अन्याय से श्रमिकों को, को बचाने के लिए शुरू किया गया कई का, कानून बनाए गए और रहने की स्थिति को सुधारने के लिए तैयार किए गए इसके बारे में अब हम अधिक पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद आपका क्रियाकलाप है पाठगत प्रश्न है कि किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें सीखी सॉल्व करके देखेंगे समाप्ति तक अधिकांश देशों में यूरोपीय देशों में क्रांति शुरू हो गई थी ठीक है तो उन्नीसवी सदी जब आई जब इसकी समाप्ति होने वाली थी तब तक ये पूरे देशों में फैल चुकी थी यूरोपीय देशों में इन देशों में कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए एक

रूप में माना जाता है जब हम अपना जो सामान है वो एक दूसरे के साथ तो युद्ध द्वारा या अन्य किसी साधन से जब हम दूसरे किसी देश पर अपना कब्जा जमाते हैं तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद ठीक है कच्चे माल बाजार और पूंजी के निवेश के लिए जो साम्राज्यवादी देशों के अपने देश से बाहर भूमि को जीत के लिए प्रेरित करने के लिए नए स्थानों की जरूरत थी साम्राज्यवादी की मुख्य विशेषता सैन्य विजय राजनीतिक शासन के माध्यम से एक साम्राज्यवादी राष्ट्र द्वारा या अन्य किसी विधि के आर्थिक प्रभुत्व पर अधिकार कर ले उपनिवेश से धन और संसाधन का साम्राज्यवादी देशों के लिए निष्कासन शुरू हो गया अब यहाँ पर क्या हुआ जो उपनिवेशवाद है साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि हम जो है अपना द्वारा बनाया गया माल दूसरे देश में भेज रहे हैं उपनिवेश का मतलब होता है जो अच्छा या जो कम उपनिवेशिक या जो कम जहां पर औद्योगिक क्रांति थी उन देशों को अपने कब्जे में कर लिया ले जाना वो चीज यहां पर होने लग गई थी उन्नीसवीं सदी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देशों के या अन्य यूरोपीय देशों के निरंतर में था ठीक है ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी चरम राष्ट्रवाद साम्राज्य के विस्तार में एक प्रमुख शक्ति बन गया था प्रतिष्ठा गौरव और महिमा के लिए इटली और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने दूसरों की भूमि पर विजय प्राप्त की इस समय तक यूरोपीय में नस्लीय श्रेष्ठता की भावना विकसित थी एशिया और अफ्रीका के लोगों को पिछड़े के रूप में माना जाता था उनके मुताबिक यह सफेद आदमी पर है कि वह पिछले लोगों को सभ्य बनाए इन देशों की जात इनमें ईसाई धर्म फैलाना और इनमें आत्मज्ञान लाना अपना कर्तव्य समझते थे इस भावना ने इन भूमि की विजय के लिए नैतिक औचित्य प्रदान यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एशिया और अफ्रीका के लोग जो है वो काले लोग का बात बात महाद्वीप के रूप में माना जाता था क्यों क्योंकि वहाँ पे इतने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था और वहां पर इतनी ज्यादा खेती वगैरह भी नहीं होती थी कोई काम नहीं था बहुत कम जानकारी महाद्वीप के बारे में उपलब्ध थी मिशनरियों और खोजकर्ता अंदरूनी भाग में जाने वाले पहले व्यक्ति थे जहां इन्होंने हाथ दांत सोना हीरा लकड़ी और अन्य लोग जिसे गुलाम बनाया जा सकता था उन्हों, उन्होंने ये सब खोजा ठीक है अफ्रीका में अफ्रीका में आपने देखा भी होगा ज्यादातर पर ऐसे ही लोग रहते हैं जिनके बारे में अभी भी हमें कम नॉलेज है ठीक है, ठीक है? वहां पर हमें हाथी दांत यानी जो खोजकर्ता खोज की अब हीरा लकड़ी ये सारी चीजें मिलने लग गई अफ्रीका की भी कमजोर राजनीतिक प्रणाली एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था और समाज के साथ साथ कमजोर सेनाएं थी यूरोपीय देशों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ ही कच्चे माल और उनके विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार प्राप्त करने की दूसरी और यूरोपियों के पास तकनीकी रूप से उन्नत हथियार थे और यूरोपियों के पास व्यापारिक और के वाणिज्यिक के केंद्रों और कुछ छोटी बस्तियों तक सीमित था लेकिन अठारह सौ अस्सी और उन्नीस सौ दस के बीच पूरे अफ्रीका विभाजित कर दिया गया अफ्रीका और उसके लोगों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लंदन पैरिस और अन्य यूरोपीय

प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर आई उन्नीस सौ चौदह में तो यहाँ पर सिर्फ अफ्रीका और इथियोपिया ये दोनों बच गए थे लेकिन इथियोपिया इटली द्वारा 1935 में लिया गया था ठीक है साम्राज्यवाद के बारे में एक दिलचस्प विशेषता अफ्रीका में गुलाम व्यापार था वहाँ पर क्या था गुलाम व्यापार होता था यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका से दास को आयात करके अमेरिका के अपने उपनिवेशों में बागानों पर काम करवाया शुरू कर दिया ठीक है तो यहाँ पर जो अफ्रीका के लोग थे वो गुलाम व्यापार करते थे यानी यहाँ से गुलाम भेजे जाते थे दूसरे देशों में काम करवाने के लिए ये काम थे वे लोग अपने कारखानों पर करवाते थे इनसे काम पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की आया अफ्रीका की तरह ही एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने अपनी वेश बनाने शुरू कर दिए ब्रिटिश और फ्रांस जैसे समृद्ध देशों ने पुर्तगाल और हॉलैंड की तरह नहीं व्यापार नहीं किया जिन्हें अंततः यहां पर बताया कि भारत से बाहर फेंक दिया गया एशिया में क्या हुआ कि वहां पर भी पुर्तगाल और हॉलैंड की तरह इन्होंने व्यापार नहीं स्टार्ट किया था और जिस वजह से इन्हें बाहर फेंक दिया गया जल्दी अंग्रेजों और फ्रेंच कंपनियों ने यहां बस्तियां बनाई सत्रह सौ तिरसठ में ब्रिटिश ने भारत से फ्रेंच प्रभाव कम किया और यहाँ अपने नियंत्रण की स्थापना करी और इस तरीके से हुआ साम्राज्यवाद धीरे धीरे उन्होंने औद्योगिकरण पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार कर लिया और इस वजह से यहाँ पर जो है ये जो देश है वो चीन में शामिल होने लग इसके बाद बात आती है चीन चीन कैसे साम्राज्यवाद के इसमें आया चीनी माल की यूरोपीय देशों में अधिक मांग थी लेकिन चीन में आज भी जो चीन है उनके मालों की बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी ज्यादा अब तो खैरबैन हो चुके हैं लेकिन फिर भी इंडिया में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है ठीक है क्योंकि इसके माने चीन के जो होते हैं वो सस्ते होते हैं ठीक है यह एक तरफा व्यापार यूरोपीय व्यापारियों के लिए यूरोप है सभी देशों में माल भेजने के लिए सक्षम था लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी खुशी से जलते हैं तो इस वजह से यूरोपीय जो थे यूरोपीय ने क्या किया इनके लिए अफीम भिजवाना शुरू कर दिया जिस वजह से इनके जो लोग थे वो अफीम के लत लगवा लिया उन्होंने और जैसे ये लोग जो है नष्ट कर दिया इनका व्यापार इससे चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध में चीन आसानी से हार गया था और ब्रिटिश खुद के लिए कई रियायतें प्राप्त करने में सफल हुआ वह चीन के सभी पांच बंदरगाहों को मतलब इस तरीके से देखे इनको जो है उसने क्या किया अफीम भेजा गया जब चीन को इस बात का पता चला तो अफीम और इसके अफीम युद्ध हुआ और अफीम में जो है चीन हारा उसके बाद दूसरा अफीम युद्ध के ब्रिटिश ध्वज के अपमान के खिलाफ बदला और एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या के लिए लड़ा गया था चीन दो यूरोपीय शक्तियों में हार गया था और अंतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार देने के लिए मजबूत किया गया था ठीक है फिर उसके बाद दूसरा अफीम युद्ध हुआ बक्सर विद्रोह ईसाई मिशनरियों और प्रभाव के क्षेत्रों में चीन के विभाजन के बाद चीन के शोषण के खिलाफ एक संगठित आतंक था चीनी युवाओं को अपनी मुठ्ठी के साथ विदेशी नागरिकों भी सहन करना पड़ रहे थे और उन्हें शाही आंदोलन या अदालत के गुप्त समर्थन प्राप्त था उसके बाद बात बात बंद, बंद पहले औद्योगिक राष्ट्र के जापान के रूप में बदला उसके खुद के प्राकृतिक संसाधन थोड़े थे इसीलिए उसे दोनों विदेशी बाजारों और कच्चे मालों के स्रोतों की जरूरत थी अठारह में यहां पर जो है जापान में कम संसाधन थे प्राकृतिक और जापानी नेताओं के एक समूह ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया आप जापानी राज्य बनने के बाद उसने साप, की की का अध्ययन करने के लिए पश्चिम में भेजा गया था अब यहाँ पर जो है जब लोग जब इन्होंने देखा जापान में इतना ज्यादा कोई औद्योगिक राष्ट्र नहीं था ये इसलिए जापान के नेता जो है यूरोप में गए अमेरिका में गए वहां से देख के आए औद्योगिकरण कैसे होता है यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद इन्होंने बैंक बनाने शुरू करे ठीक है लोगों की शिक्षा के लिए दूसरे उसमें भेजा गया यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं वर्ष उन्नीस सौ से देश को समृद्ध सैन्य मजबूती बनाए बनाने के नारे के तहत जापान एक अविजित औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है दक्षिण के सकलिन कोरिया मंचूरिया भारत चीन म्यांमार मलाया सिंगापुर इन सब में जीतने में सफल रहा ठीक है तो उसके बाद आती है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद कैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सम... नेपाल बर्मा श्रीलंका ये सारे देश हैं और भारत भी है इसमें नए साम्राज्यवाद से उदय से पहले भी इन देशों में से कई बार पहले से ही गोरो का प्रभुत्व था तो पहले से ही यहां पर गोरे लोगों ने जो है शासन बना रखा था शोषण करके गुलाम बना के श्रीलंका पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था तो डच और ब्रिटिश के द्वारा पर इंग्लैंड में चाय और रबड़ बागान का परिचय हुआ जो श्रीलंका में में निर्यात के रूप शुरू किया गया दक्षिण पूर्व एशिया के नए अन्य देशों को भी साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ा फ्रांसीसी सैनिकों का वियतनाम पर हमले का दावा था कि वे भारत चीन के ईसाइयों की रक्षा कर रहे थे धीरे धीरे वियतनाम लाहौस कंबोडिया की फ्रेंच ओपन निवेशिक साम्राज्य के साथ जोड़ा गया था ब्रिटिश ने म्यांमार और सिंगापुर मलाया राज्यों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें बंदरगाह से जोड़ा ठीक है तो ये सारे प्रभाव जो हैं पड़े उस कैसे नए नए जो हैं देशों में साम्राज्यवाद आया अब साम्राज्यवाद के क्या, क्या क्या प्रभाव पड़े ये हम देखते हैं साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका के इतिहास के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों के धन और कच्चे माल व अपने औद्योगिक माल की बिक्री के लिए इनके बाजारों का बहुत फायदा उठाया वह कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया नस्लीय भेदभाव उन्होंने उन्नति उनकी नीति जो थी नस्ली भेदभाव करने की थी उसके बाद सकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़े साम्राज्यवादी शासन का उपनिवेशों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े जैसे रेलवे लाइन बन गई ठीक है नहर बनी टेलीग्राफ हुए टेलीफोन हुए ये सारे परिवहन संचार इनके शुरुआत जो जो है साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद से हो गई थी और पर जो है पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा उपनिवेश के स्वदेशी उद्योग बर्बाद हो गए उपनिवेश के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण किया गया ये सारी चीजें थी किस तरीके से ये सारी चीजें होने लगे रंग भेद जो है वो आने लगे त्वचा के आधार पर यानी स्किन के कलर के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव स्टार्ट हो गया भारत में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आए थे लेकिन शासक बन गए ये तो हम सभी को पता है और उन्होंने हम पर 100 सालों तक राज किया ठीक है दोस्तों सालों तक उन्होंने हमारी समृद्ध औद्योगिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया भारत जो कपड़ा का एक निर्यातक था तैयार कच्चे माल और माल के निर्यातक का एक खरीददार बन गया इसके अलावा भारी कराधान ने जनता की गरीबी का नेतृत्व किया ठीक है उसके बाद क्वेश्चन जाए फिर बात आती है प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था तो ये हम पढ़ते हैं उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण और साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की उनकी संपत्ति पर यूरोपीय देशों के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता शुरू कर दी ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ जब औद्योगिकरण हुआ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद हुआ तो इससे एशिया और अफ्रीका इन देशों में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने लगे ये प्रतियोगिता उन्नीस सदी के अंत तक और अधिक तीव्र हो गई जब उपनिवेश एशिया तो यहाँ पर बेसिकली कॉम्पिटिशन हुए जिस वजह से अगर कॉम्पिटिशन होता है तो युद्ध तो बिल्कुल होना ही होता है ठीक है यह युद्ध पहली बार दुनिया के एक बहुत बड़े भाग पर फैल गया था इस विश्व युद्ध को दुनिया के इतिहास ने एक मोड़ के रूप में माना जाता है यह एक अचानक घटी घटना नहीं थी बल्कि सेना के विकास और उन्नीस से पहले से चल रहे विस्तार की चरम सीमा थी ठीक है तो यह पहले से हो रहा था यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के कारण पर लेते हैं क्यों स्टार्ट हुआ कैसे हुआ इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी और दूसरी की दूसरी की तरह विभिन्न देशों के प्रतिद्वंदिता साम्राज्यवादी युद्ध का एक प्रमुख कारण थे यहां पर कंपटीशन जब बढ़ने लगा तो इस वजह से यह युद्ध स्टार्ट हुआ था इससे

था था। चाहता फ्रांस था। मोरक्को को अफ्रीका में अपनी विजय से जोड़ना चाहता था जबकि रूप ईरान में अपनी महत्वाकांक्षा रखता था तो यहां पर यह जो है कई भागों में हुआ जर्मनी जापान यूरोप ये सारी जो शक्तियां थी वो एक साइड थी और बाकी शक्तियां एक साइड थी जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद गठबंधन कैसे हुआ कैसे ये लोग मान गए गठबंधन करने के लिए अधिक कॉलोनियों के लिए विरुद और विरुद और विरोध टकराव ने साम्राज्यवादी शक्तियों का सहयोगी दल के लिए देखना प्रेरित कर दिया अठारह सौ बयासी में जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली ने ट्रिपल अलायंस पर अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ अपनी सैन्य सिद्धांत सहायता की संधि पर हस्ताक्षर किए इंग्लैंड रूस और फ्रांस ने उन्नीस में ट्रिपल अंत पर हस्ताक्षर किए जो दो परस्पुर सत्रतापूर्ण विरोधी समूहों के उद्भव और यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया इस तरह से इन्होंने एक संधि बनाई जिसमें इन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम जो है शांति चाहते हैं अब जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इस वजह से इन्होंने जो है नई शांति जो है उन्होंने तैयार की और हस्ताक्षर उस पर किए ठीक है उसकी वजह से पूरा युद्ध जो था वो थम गया बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की कार्यविधि यानी कब तक यह युद्ध चला 9 अगस्त 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ नवंबर 1918 तक जारी रहा ठीक है यानी ये चार साल तक चला इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई जैसे 1914 मारने की लड़ाई 1916 में वेड्रो की लड़ाई और सोम की लड़ाई जूट लेक की लड़ाई ये सारी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी उन्नीस वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा गया इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रविष्टि थी दूसरी नवंबर में रूस का इस युद्ध से अलग होना उन्नीस में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लूसी के जर्मन की यू बोट की ओर डूब गया जिसमें एक अमेरिकी नागरिक यात्रा कर रहे थे उनकी हत्या हो गई थी ठीक है तो यहां पर एक बोट डूब गया जिसमें एक ब्रिटिश यात्री जहाज में जो था और वो और वो डूब गया उसमें 128 यात्री जो है यात्रा कर रहे थे और उनकी हत्या हो गई थी अमेरिकी सीनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अलावा जर्मनी अमेरिका सर्वोच्चता के लिए खतरा पैदा कर सकता है इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था, ठीक है, है तो इस वजह से ये जो है, काफी बड़ा एक खतरा बन गया था उन्नीस सौ सत्रह की बात हो रही है दूसरी बड़ी घटना रूस का युद्ध से अलग होना था क्या आपको रूस की उन्नीस सौ सत्रह अक्टूबर क्रांति के बारे में कुछ याद है प्रांतिकारियों के मुख्य मार्ग में से एक शांति थी तो तुरंत लेकिन के नेतृत्व में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया और 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए रूस तो जो था वो 1917 अक्टूबर में इनसे अलग हो गया और उसने एक शांति समझौता कर दिया कि भाई हमें युद्ध नहीं लड़ना जुलाई उन्नीस से जर्मनी पतन शुरू हुआ बुल्गारिया और तुर्की ने सितंबर और अक्टूबर में क्रमशः आत्मसमर्पण कर दिया तीन नवंबर उन्नीस में ऑस्ट्रिया के सम्राट ने ऑस्ट्रिया में व्यापक असंतोष के आत्मसमर्पण कर दिया जर्मन लोगों द्वारा इसी तरह के विद्रोह करने के बाद जर्मन सम्राट विलहेम द्वितीय होलैंड भाग गए और जर्मनी एक गणराज्य घोषित किया गया नई सरकार पर 11 नवंबर 1918 विश्व युद्ध के अंत के लिए युद्ध विराम कर हस्ताक्षर किए गए ठीक है इस युद्ध के दौरान काफी ज्यादा जहर गैस तरल आग पंडुबी और टैंक के रूप में कई नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया नई रणनीतियाँ नई सैन्य जो है तकनीक दोनों पक्षों द्वारा की गई थी ठीक है उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि विश्व युद्ध हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परिणाम हुए भरावह घटनाएं हुई होगी है और इसमें कई लोग जो है मारे भी गए होंगे तो इसमें जीवन से बहुत ज़्यादा लोगों को हाथ धोना पड़ा कुल खर्च एक डॉलर के करीब था जो कि बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा था इसके परिणाम स्वरूप देशों की अर्थव्यवस्था टूटने लगी थी है और चारों तरफ सामाजिक तनाव बेरोजगारी और गरीबी फैल गई जनवरी से जून 1919 के बीच मित्र देश की शक्तियां बरसाई के हमले महल में सम्मेलन में मिले थे। इसे आप वैसे भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो रूस हैं या फिर फ्रांस हैं कि कैसे कैसे उनके जो बेगुनाह लोग थे वो मारे गए इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं उसके बाद बात, बात आती है लीग ऑफ ठीक है लीग ऑफ जब आया ये क्या था हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं 1980 में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लीग संगठन से इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में रखा गया था यहाँ पर लीग बनाई गई कि भाई शांति समझौता जहाँ पर होगा वो ये जगह थी इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना भविष्य के युद्ध को रोकने के लिए यहाँ पर क्या हुआ क्योंकि प्रथम युद्ध विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को डर हुआ कि आगे ऐसा युद्ध ना हो इसलिए लीग ऑफ बनाई गई कि भविष्य में सुरक्षा बनी रहे भविष्य में जितने भी युद्ध हो उसका रोका जाए अंतरराष्ट्रीय एक सहयोग सम्मेलन बना दिया जाए सहयोग संस्था बना दी जाए अंतरराष्ट्रीय हो वो सभी देशों पर नजर रखे लेकिन दुर्भाग्य से लीग के लिए जिसके लिए जिसके स्थापित किया गया युद्ध और संघर्ष रोकने में विफल रहा जब जापान ने छत्तीस में मचूरिया पर हमला किया और उन्नीस सौ पैंतीस में इटली ने इथियोपिया पर हमला लीग इसमें कुछ नहीं कर सका ठीक है बनाया गया लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं किया दो विश्व युद्ध के बीच दुनिया दो विश्व युद्ध के बीच कैसे दुनिया फंसी ये बताते हैं दो विश्व युद्धों के बीच साल 20 साल की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया गया एक प्रथ एक तरफ सकारात्मक परिवर्तन जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास एशिया और अफ्रीका के देशों और सोवियत संघ में तथा अन्य देशों में समाजवादी आंदोलन का लोकप्रिय हुआ दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में विशेष रूप से यूरोप के इटली और जर्मनी देशों में तानाशाही का सबसे बुरा रूप देखा गया इसी समय अमेरिका में उन्नीस में महामारी भी देखी गई फांसीवाद और नाजीवाद क्या था इनके क्या विकास के कारण थे युद्ध के बाद यूरोप में बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलन पैदा हुए जिसे फांसिसम नाम दिया गया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य तानाशाही की स्थापना करना था उन्हें शासकों और उच्च वर्ग के अभिजात और पूंजीपतियों पर द्वारा समर्थन प्राप्त था क्योंकि उनसे उसने उन्हें समाजवाद के खतरे से बचाने के लिए वादा किया था उन्होंने हत्या और आतंकवाद का एक व्यवस्थित अभियान चलाया उसे रोकने में सरकार ने कम रुचि दिखाई ठीक है तो यहां पर कई सारे अभिवा आंदोलन चलाए गए फांसीवाद को जर्मन में नाजीवाद के रूप में जाना जाता है फांसीवासी आया और फांसीवाद और नाजीवाद दोनों एक ही माने जाते हैं जर्मन में इसे फांसी नाजीवाद के रूप में माना जाता है अडोल्फ हिटलर द्वारा स्थापित किया गया था उसने युद्ध के बाद बमतियों को वापस लेने और जर्मनी शक्ति और महिमा को बहाल करने का वादा किया जर्मनी एक महान राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण की स्त्री दृष्टि ने कई जर्मनियों को उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया इसमें क्या होता था कि लोग जो बात नहीं मानते थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था ठीक है उसके बाद आपका टॉपिक आता है विश्व के अन्य भागों में कैसे विकास हुआ इंग्लैंड और फ्रांस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और अभावों और बेरोजगारी के बावजूद वे अपने लोकतांत्रिक सरकारों के साथ चलते रहे इंग्लैंड में मजदूर हड़ताल व कई तरह की समस्याओं के रहते इन्हें उन्नीस सौ इकतीस में साझी बनाकर सरकार बनानी पड़ी मतलब बना अब साझी सरकार बनने लग गई लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ चलने लग गए केवल जापान ही एशिया का ऐसा देश था जो साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा इसने रूस को उन्नीस सौ पांच में हरा दिया था इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं विश्व युद्ध के बीच में जापान एक सैन्य शक्ति बन गया था, फा, था। विश्व युद्ध की यानी जब हुई तो उसमें क्या हुआ हम लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ पढ़ चुके हैं किस प्रकार अपने संगठन के बीस वर्षों के बाद भी अपने उद्देश्य को पाने पर विफल रहा जबकि इसका संगठन भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए किया गया था पहला विश्वयुद्ध हुआ इसके बाद लीग नेशंस बनाया गया लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसका मतलब ये किस तरीके से विफल हुआ इसके क्या कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यूरोप में शुरू हुए युद्धों ने ही एक विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था फांसीवादी देशों ने विश्व को दोबारा से साम्राज्यवादी लाभ के लिए विभाजित करना चाहा जिसने विभिन्न देशों के बीच सं... संघर्ष वो पनपा की की एक परीक्षण के लिए तैयार था इटली की स्थिति में भी बेहतर नहीं थी हालांकि इटली साम्राज्य लाभ की उम्मीद के साथ प्रथम विश्व के दौरान मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हुआ था परंतु युद्ध के बाद उसे कोई भी उपनिवेश हासिल नहीं हो सका उसने युद्ध के दौरान लगभग

वॉर है वो स्टार्ट हुआ ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी और इटली सोवियत के खिलाफ करना चाहते थे। की तैयारी कर ले अब जर्मनी को सोवियत संघ को करने में सफलता मिल गई द्वितीय विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब जर्मनी यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब शुरू हुआ जब जर्मनी ने एक सितंबर उन्नीस को पोलैंड पर हमला कर दिया और ब्रिटेन ने जर्मनी से तीन सितंबर नाइनटीन थर्टी नाइन को युद्ध विश्व युद्ध की घोषणा की इस युद्ध का भी वही परिणाम है कि 1945 में तो ये ये विश्व युद्ध ये स्टार्ट हुआ था 1939 में ठीक है और खत्म हुआ ये 1945 में और ये मानव का इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध था इसने जान माल संसाधन की अपूतपूर्व क्षति हुई बड़े शहरों के सुंदर भवन मिट्टी में मिल गए हजारों लोगों के अपने घरों से बेघर होना पड़ा जर्मन यहूदियों को मार दिया गया था फिर उन्हें यंत्रणा शिविरों में भेज दिया गया जापानी शहरों हिरोशिमा और नागा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बर्म गिराए गए थे जो दोनों शहरों अपनी जनता के साथ नष्ट हो गए परमाणु प्रलय का खतरा युद्ध के प्रमुख परिणामों से में से एक था जर्मनी को चार क्षेत्रों में विभाजित करके को शक्तियों का नागा पर और कैसे जो है मतलब कई लोगों की जान माल का खतरा हुआ और कितने जो सुंदर सुंदर भवन थे महल थे लोगों के वो कैसे नष्ट हो गए इसके बाद युद्ध के एक प्रमुख प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थापना थी जिसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे दुनिया में तब से कई बदलाव हुए पहले विश्व युद्ध के बाद नेशन लीग ऑफ नेशन की स्थापना ठीक है ताकि वो जो है आगे होने वाले युद्धों को रोक सके लेकिन फिर भी अगर ये ना रोक पाई तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद हुई संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना

हम देखते हैं इसमें क्या हुआ दुनिया के नेताओं को शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत का एहसास कराया ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल सोवियत नेता स्टालिन और अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट के रूप में विश्व नेताओं के विभिन्न सम्मेलनों ने संगठन के गठन के बारे में फैसला करने के लिए मुलाकात की अंत में चौबीस अक्टूबर उन्नीस को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पचास देशों के द्वारा अपना लिया गया यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी

मतलब ये भी यही चाहता था कि देश में सिर्फ मैत्री हो यानी मित्रता हो ठीक है और जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से लड़ाई ना करें और किसी को भी आगे जो है विश्व युद्ध की जरूरत ना पड़े इस चीज को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बनाया गया था इसके बाद आपके पाठगत प्रश्न आ जाते हैं और आपने क्या सीखा ये सारी चीजें आ जाती हैं यहां पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आया हो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग